चलो कल लास्ट डे हम लोग स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस इसके बारे में पढ़ा था। हालांकि इसके बारे में हमें अभी और भी पढ़ना है, आगे हम उसको पढ़ेंगे। सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में भी, स्टेट ऑफ मैटर में गैस के बाद की जो अवस्था होती है वो प्लाज्मा कहलाती है, और सॉलिड के पहले की अवस्था में आपको दो अवस्थाएं बताई गई है ना। उसमें एक है बोसाइन स्टीम कंडेंसेट और एक है फर्मियोनिक कंडेंसेट। इसमें जो नहीं है भाई, अभी पढ़ो, है बैठी बैठी इसमें जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है या फिर फर्मियोनिक कंडेंसेट है, ये कहीं पाए नहीं जाते इस दुनिया में। कम से कम जितनी दुनिया हम लोगों ने देख रखी है उस दुनिया में ये कहीं पाए नहीं जाते। ये आर्टिफिशियल स्टेट, आर्टिफिशियली लैब में हमने इसे पाया है। जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के साथ ऐसी बात नहीं, प्लाज्मा इस दुनिया में है, पाया जाता है और हमारे दैनिक जीवन में भी मौजूद है। पूरा का पूरा सूरज प्लाज्मा है, पूरा का पूरा जो सूरज है वो प्लाज्मा है। ये जो ट्यूबलाइट जल रही है इसके अंदर जो गैस है, हाँ, वो गैस प्लाज्मा स्टेट में है, वो गैसियस स्टेट में नहीं है, वो प्लाज्मा स्टेट में है। जो CFL होता है उसमें जो गैस होती है वो प्लाज्मा स्टेट में होती है, वो गैस के स्टेट में नहीं होती। जब तक वो प्लाज्मा स्टेट में नहीं आती तब तक वो चमक उसमें आ ही नहीं सकती जो कि दिखती है ना। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, तो जो उसमें फ्लोरोसेंट आता है वो इसलिए ही आ पाता है क्योंकि उसमें जो गैस भरी है उसे एक पर्टिकुलर स्तर पर ले जाके हम उसे प्लाज्मा में कन्वर्ट करते हैं और तब जाकर के उसमें चीजें होती। तो प्लाज्मा की अवस्था जो है वो हमारी गैस अवस्था है, वो सीधे सीधे है। यानी वास्तव में रियल कंडीशन की अगर हम बात करें तो तीन ही अवस्थाएं हैं, तीन या चार अवस्थाएं हैं जिनमें की कोई मैटर हमें दिख रहा है, वो सॉलिड, गैस, लिक्विड और प्लाज्मा। जो चौथी पांचवी अवस्था आपको बताई गई है वो हमने लैब में हासिल किया है ना। इधर आइए, पानी का बोतल इधर दे दीजिए। तो जो ये अवस्था है BEC और FC वो दुनिया में कहीं मिलता नहीं। हाँ ये जरूर है कि उसे हम, और वो भी बड़ी कठिनाई से, आसानी से नहीं, उसकी मैं चर्चा करूंगा कैसे, बहुत ही कठिनाई से हमने उसे प्रयोगशाला में प्राप्त किया है। और अभी के तारीख में न बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का ना ही फर्मियोनिक कंडेंसेट का एक्चुअल यूज क्या होगा, होगा तो क्या होगा वो हमें अभी ज्ञात नहीं है, क्योंकि जिन तरीकों से उन्हें प्राप्त किया जाता है वे तरीके प्रयोगशाला में तो संभव है कि हम कर लें, लेकिन नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर उन चीजों को हासिल कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है। और कोई भी तकनीक उपयोगी तभी होती है
जो रूम टेम्परेचर पे काम कर रही हो, नॉर्मल कंडीशन में जो वर्क कर रहा है। प्लाज्मा के साथ ऐसा है, तो पहले हम प्लाज्मा की बात कर लेते हैं, उसका इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं, फिर उसके बाद से हम बी सी और एस सी पर आएंगे, है ना। आपको ये चीज बताई गई थी कि गैस को यदि हम और गर्म करें तो वो जिस स्टेट में पहुंचेगी वो स्टेट होगा प्लाज्मा। सॉलिड को गर्म किया, लिक्विड में बदला, लिक्विड को गर्म किया, गैस में बदला, गैस को गर्म किया, प्लाज्मा में बदला। प्लाज्मा को जिस एक शब्द से डिनोट किया जाता है वो है आयोनाइज्ड गैस है ये, है ना, ये आयोनाइज्ड गैस है। तो फिर ये आयोनाइजेशन क्या होता है इसे समझना होगा, ये गैस आयोनाइज्ड है। अब ये क्या होता है आयोनाइजेशन ऑफ द गैस, या आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो समझे। जैसे मान लें कि ये कोई एक एलिमेंट है, इसके न्यूक्लियस में जो हो जितने हो उससे हमें मतलब नहीं है, है ना। इसकी जो कक्षाएं हैं उन कक्षाओं में मान लीजिए कि तीन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं। अब आप ये जानते हैं कोई भी पदार्थ जिस मूल कणों से बना है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, और इनको एक जगह बुटाना या अलग करना, इन दोनों में ही एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अर्थात समझिए कि किसी चीज को तोड़ना हो तब भी एनर्जी चाहिए, और जोड़ना हो तब भी एनर्जी चाहिए, बिना एनर्जी के ना कोई चीज टूटती है ना कोई चीज जोड़ती है। अब हम करते क्या है कि आपने देखा कि एक कोई पदार्थ था जो सॉलिड था, फिर ये लिक्विड में गया, फिर ये गैस में गया, तो ये कैसे गया भाई, इसके नीचे हमने कोई दिया जला रखी थी, हाँ एक जलाया, इसके नीचे हमने दो जलाया तो ये लिक्विड हो गया, इसके नीचे हमने हाँ तीन जलाया, हाँ अर्थात जो एनर्जी आप दे रहे थे सॉलिड को उससे ज्यादा आपने दिया लिक्विड को, और उससे ज्यादा आपने दिया गैस को। अब अगर उससे भी ज्यादा देंगे, अच्छा इस दिए जाने से हुआ क्या, जब आप इस पर एनर्जी दे रहे हो बिना एनर्जी की चीज नहीं होगी, है ना, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो मतलब क्या कर रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, कोई चीज गर्म हो रही है कोई चीज ठंडी हो रही है, इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब है, ध्यान से समझिए, वह चीज जिन अणुओं से मिलकर बनी है उन अणुओं के बीच के मोशन को बढ़ाना या घटाना। जितनी एनर्जी बढ़ाओगे उनके बीच का मोशन और बढ़ता चला जाएगा, अणु आपस में टकराने शुरू होंगे, और जितना ज्यादा टकराएंगे वह चीज उतनी ज्यादा एनर्जी आपको, आप कहेंगे कि चीज अब गर्म हो रही है, गर्म हो रही है मतलब क्या हो रहा है, उसके जो अणु है आपस में उनमें और ज्यादा गति आ रही है, और ज्यादा मोशन आ रहा है ना। अर्थात कोई चीज गर्म होती जा रही है, इसका क्या मतलब है कि जिस मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है वो चीज, उस मॉलिक्यूल के बीच के उसके कणों के बीच आपस में जो उनका स्पिन कह लो, या वो जो उनकी स्पीड कह लो, जो स्पीड है एक दूसरे से टकराने की वो बढ़ती चली जाएगी, जितनी ज्यादा बढ़ेगी वो उतना गर्म प्रतीत होगा। इसके उल्टा चल के देख लो कि जैसे जैसे कोई चीज ठंडी हो रही है उसका मतलब क्या है कि उनके बीच के अणुओं का जो
उनके जिनसे बने हैं, तो वो अणुओं की स्पीड क्या हो रही है, धीरे 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 कम हो रही है। अगर वो स्पीड धीरे धीरे कम होकर एकदम से रुक जाए तो आप क्या कहोगे, मिसीर जी को तो ये आप निजी जिंदगी में भी इन तत्वों का इस्तेमाल करते हैं, ठंडा होना गर्म होना मतलब क्या होना, गतिशील होना कि शांत होना। तो यहां पर जैसे जैसे आप बढ़ाते चले गए एनर्जी, वैसे वैसे पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन आता चला गया। अब अगर तीन की जगह हमने चार दिए जला दिए तो ये एक बार फिर बदलेगा, और इस बार का जो बदलाव होगा वो थोड़ा अलग किस्म का होगा। ये मॉलिक्यूलर लेवल पे नहीं होगा, ये एटॉमिक लेवल पे चेंज हो जाएगा। एनर्जी और आपने बढ़ाया, अभी तक क्या था कि मॉलिक्यूलर लेवल पर चीजें क्या हो रही थी आपस में, मतलब उनमें मूवेबिलिटी आ रही थी। जब यहां आप एनर्जी बढ़ाओगे तो होगा क्या कि ये जब एनर्जी बढ़ेगी, है ना, इसको हम एनर्जी मान लेते हैं, कि ये एनर्जी जब बढ़ेगी तो ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर हो जाएगा, है ना, ये इलेक्ट्रॉन निकल करके ऑर्बिट से बाहर चला जाएगा। ऑर्बिट से बाहर चले जाने का परिणाम क्या होगा, आप कहां से आते हैं जी, आप महादेवा से आते हैं और रेगुलरली लेट आते हैं, नो क्या, हम रोज सबसे लास्ट में आप प्रवेश करते हैं, आपको नजदीक का ही बारात देर से पहुंचती है, इस आदत को सुधारिए आप। रोज आप, रोज मैं देखता हूं कि आप सब क्लास आधी निकल चुकी होती है तब आप पहुंचते हैं, आगे से उसको करिए ठीक। तो अब समझिए कि यहां से जब एनर्जी ज्यादा डालेंगे किसी गैस पर तो गैस के एटॉमिक लेवल पर चेंज आ जाएगा, ठीक। और एटॉमिक लेवल पर चेंज ये आएगा कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन के निकल जाने का परिणाम क्या होगा, ये समझ लें। होता क्या है कि कोई भी जो वस्तु है, एलिमेंट है, उसकी एक खास किस्म की, ये इसका डीएनए है, है ना, ये इसका डीएनए है, और वो डीएनए ये बताता है, ध्यान से समझिए, कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और यही कारण होता है कि कोई भी एलिमेंट जो एटम होता है वो तो न्यूट्रल स्टेज में होता है, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर जो चार्ज होता है और जो उसके इनर सर्किल में, उसके सेंटर में जो चार्ज होता है, वो दोनों बराबर लगते हैं लेकिन उल्टा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, और चूंकि दोनों की संख्या बराबर हुआ करती है इसलिए एटम हरदम कहा जाता है कि ये परमाणु उदासीन होते हैं, न्यूट्रल स्टेज में पाए जाते हैं। अब आयोनाइजेशन की स्थिति में क्या होगा कि एक जो इलेक्ट्रॉन है निकल के आ गया बाहर, जबकि प्रोटॉन उतना ही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना ही है, परिणाम क्या होता है कि जो एटम न्यूट्रल नेचर का होता है वो पॉजिटिवली चार्ज नेचर का हो जाता है। बात समझ आ रही है, अभी तक ये क्या था, न्यूट्रल था, क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज था उतना पॉजिटिव चार्ज था। जब एनर्जी हमने दी तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, बाहर होने के बाद से ये जो एटम है ये अब हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, और इसी पॉजिटिवली चार्ज एटम को हम कहते हैं आयन। क्लियर है,
नहीं समझ में आया। ये क्या बता रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा। अच्छा अच्छा हाँ 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 समझ। थोड़ा और नीचे से लेके चलना पड़ेगा मुझे सर। सर जब इलेक्ट्रॉन निकला तो प्रोटॉन क्यों नहीं निकला सर, प्रोटॉन का भी कुछ बताइए। अरे भाई कोई जबरदस्ती है क्या? नहीं नहीं सर, मतलब आप अपन एक बात बताइए, इनका प्रश्न है, पहले प्रश्न जान ले। ये पूछ ये रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन निकला तो प्रोटॉन क्यों नहीं निकला। आप साइंस बैकग्राउंड से हैं कि आर्ट्स बैकग्राउंड से, पहले ये बताइए। आर्ट्स से। हमें उस हिसाब से बताइए। मान लीजिए आपके घर में चार भाई हैं, है ना? उसमें एक भाई जो है वो बड़ा तुनक मिजाज किस्म का है। अब पड़ोसियों का जादू किस पर चलेगा? बाहर से जो एनर्जी लगेगी वो प्रभावी किस पर होगी? जो तीन भाई हैं आपस में जुटे हुए हैं, परिवार को परिवार समझते हैं, उन पर नहीं चलेगी, लेकिन एक जो है बम प्लाट किस्म का उस पर चल जाएगी, और इसलिए उसको एनर्जी लगा के परिवार से अलग किया जा सकता है, है ना? अब समझे, एक प्रश्न इधर से है, मैं आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा आगे के डिस्कशन में, सुन के चलिए। कि कोई भी तत्व, ये दुनिया जिस चीज से बनी है वह तीन ही चीज है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये सब कुछ जो दिख रहा है और जो शायद नहीं भी दिख रहा है और है, वो उसी से बना है। यस, हम लोग सब कुछ उन्हीं तीन मूल कणों से, फंडामेंटल पार्टिकल वो कहलाते हैं, उनसे बना है। अब किसी भी तत्व का किसकी वही चीज समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी जो तत्व है वो जिस मूल चीज से बना है उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक। इसे हम फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं, हालांकि कुछ और फंडामेंटल पार्टिकल हैं जिसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे ना? अब एग्जाम्पल के तौर पर अब समझें कि कुछ चीजें आगे की हैं जो इसमें मुझे पहले बताई पड़ रही हैं, इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। कि एग्जाम्पल के तौर पर कोई एक हम ले लें, जैसे कार्बन, कार्बन का संकेत है सी, ठीक है, और इसके साथ में इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जो है वो अलग से बताया जाता है, हाँ, C6-14। अब C6-14 का क्या मतलब हुआ ये समझें कि जो कार्बन है, इस कार्बन को, कार्बन का जो मूल तत्व है, एक सबसे छोटा से छोटा तत्व जिसे कि हम अब अलग ना कर सकें, दो शब्द होते हैं, एक होता है परमाणु और एक होता है अणु। किसी भी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जिसके बाद उसे छोटा करना संभव ना हो वो कहलाता है अणु। एटम में अभी आपको इलेक्ट्रॉन निकाल के दिखाया तो अलग हो रहा है ना, उसके साथ क्या होता है कि वह छोटा से छोटा हिस्सा जिसे
अलग किया जा सकता है, साथ ही वो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, हम उसे अलग नहीं कर सकते लेकिन वो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, उसको हम कहते हैं एटम। जो अणु है वो केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता, परमाणु केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। अब वो जो एटम हम समझेंगे उसमें तीन चीजें होती हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। और समझिए कि इसको हम मिटा ही देते हैं, कार्बन के बारे में ये कहा जाता है कि कार्बन में इसके सेंटर में 6 प्रोटॉन हैं और 8 न्यूट्रॉन है। कितने हो गए ये? 8, 6, 14। और किसी भी, मतलब ये सिर्फ कार्बन ही नहीं, किसी भी तत्व की खासियत होती है, है ना, कि उसका एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के बाहर में कुछ और ऑर्बिट होता है। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहा करते हैं, प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 8। और जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उसके इलेक्ट्रॉन होंगे, अर्थात अब जो इसकी कक्षा बनेगी, ये ना आपका प्रश्न था, हाँ, कि किस चीज की कक्षा है, तो धरती की कक्षा नहीं है, ये क्या है, इस एटम के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की ऑर्बिट है। ठीक, इलेक्ट्रॉन होंगे 6। अब प्रश्न ये कि वो 6 कहां कहां रहेंगे, है ना, वो 6 कहां कहां रहेंगे, यानी कि एक ही ऑर्बिट में 6 रह सकते हैं क्या, या फिर भाई मान लीजिए कि घर में 2-4, 10-20 सदस्य हैं तो सब एक ही रूम में रह सकते हैं, नहीं रह सकते, तो किसमें कौन रहेगा, इसको तय करने का कोई आधार होना चाहिए, वो आधार है हाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसे कहते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक निश्चित नियम होता है कि जो पहली कक्षा है इसमें 2 ही रह सकते हैं, दूसरी कक्षा है इसमें सर 2, 8, 18, 32, है ना, 2, 8, 18, 18, 32, 32 है सर। अब हमें उतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, हाँ बोलिए, 2n² होता है, हाँ 2n, 2n² होता है, क्योंकि हमारा काम इतने में हो जाएगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, है ना, ये इसका रूल होता है कि पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 18, फिर पांचवे में 32, छठे में 32, फिर वो घटने शुरू होते हैं, तो रूल है। अब हमारा काम इतने में चल जाएगा, यानी जो यहां पर हमने प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो लिख दिया, अब इलेक्ट्रॉन कहां रहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन बाहर की कक्षाओं में, ये स्थिर है एक जगह, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उसके बाहर बाहर चक्कर लगा रहे होते हैं, ये घूमते रहते हैं। अब घूमते रहते हैं तो इसमें हो सकते हैं 2, यानी कि अब ये कर देते हैं हम, ये 1 और 1, 2, ये कार्बन के हो गए इलेक्ट्रॉन। अब बाकी बचे कितने, 4, यानी कि बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 4, 3, 2, 1, बाहरी कक्षा में इसके 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये कार्बन किसी और से गठजोड़ करना अगर चाहेगा, मतलब इस रूप में ही रहेगा हरदम, अब अगर ये किसी से गठजोड़ करना चाहेगा, होता क्या है कि ये इनस्टेबल पोजीशन है किसी भी तत्व की। स्टेबल कब होता है तत्व, जब बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाए उसको, तो स्टेबल हो जाता है, उसको किसी से लेने देने की जरूरत नहीं पड़ती। जब तक वो 8 से कम है वो लेता देता रहता है, है ना, लेता भी है देता भी है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर वो 4 से नीचे है, 4 से नीचे है
तो निकल के किसी दूसरे में जाके मिल जाएगा। अगर वो चार से ऊपर है तो मजबूत होता है, किसी दूसरे को अपने में खींच लेता है। तो जो आउटर जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इनको कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। और अंदर जो पाए जाते हैं उनको कहा जाता है कोर इलेक्ट्रॉन। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही वैलेंसी तय करते हैं, वैलेंसी मतलब जुड़ने की क्षमता, है ना। यही हम आपको समझा रहे थे कि अब मान लीजिए कि कार्बन का गैस है, कार्बन के गैस को आयोनाइज कब मानेंगे, नॉर्मल कंडीशन में गैस है, उसे और गर्म करेंगे तो आयन के रूप में बदलेगा, कब बदलेगा, जब ये इसमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए, है ना। बाहर चला जाएगा तो पोजीशन में चेंज क्या आएगा, कि यहां पर 6 प्रोटॉन है, ठीक है, अब यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक निकल गया, है ना, कि ये वाला छिटक गया यहां से, है ना, ये यहां आ गया। तो अब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने रह गए, 5, जबकि नंबर ऑफ प्रोटॉन है 6, तो चार्ज इस पर कौन सा प्रभावी हो जाएगा, प्रोटॉन वाला यानी पॉजिटिव वाला, और इस तरह से ये एटम जो है वो पॉजिटिव एटम के रूप में बदल जाएगा। इसी पॉजिटिव एटम के रूप में बदल जाने के प्रोसेस को हम आयनाइजेशन कहते हैं। क्लियर है, अब हम वापस लौटते हैं प्लाज्मा पर कि प्लाज्मा क्या है। तो प्लाज्मा एक आयोनाइज्ड गैस है, आयोनाइज्ड गैस होने के साथ इसकी अन्य खासियतें क्या हैं, कि खुद ही पॉजिटिवली चार्ज है, है ना। तो ये जो है आयोनाइज्ड गैस, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, जिसका हम उपयोग कर रहे हैं, जिस चीज का, है ना, वो यही चीज है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, खास बात ये होती है कि चूंकि ये, अब मान लीजिए कि गैसों का एक समूह है जिसमें बिलियंस ऑफ बिलियंस गैस के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, तो उसमें ऐसा तो होगा नहीं कि सब के सब आयोनाइज्ड हो, कुछ आयोनाइज्ड होंगे, कुछ सिंपल इलेक्ट्रॉन वाले होंगे, ये फॉर्मेट चलता रहता है, इसलिए ना ही गैस में शेप वैसे भी नहीं होता, ना शेप होगा ना वॉल्यूम होगा, हाँ, दोनों में से कोई भी चीज प्लाज्मा में नहीं होती। अब इसका हमारे लिए क्या उपयोग है, तो समझिए कि भाई सूरज न होता तो हम होते ही नहीं, यानी कि हमारे जीवन का आधार ये प्लाज्मा है, पूरा का पूरा सोलर सिस्टम चाहे वो सजीव हो या निर्जीव उसी पर टिका हुआ है, है ना। एक तो बेसिक हो गया ये, अब सूरज के बाद क्या, तो अगर हम इतिहास में जाएं इसके, तो 1928 में एक वैज्ञानिक हुए थे इरविन लेम्यूल, इन्होंने इसे प्लाज्मा नाम दिया था। प्लाज्मा की पहचान, यानी कि यह भी कोई स्टेट ऑफ मैटर है, ये पहचान सबसे पहले 1769 में विलियम क्रुक्स ने की थी, है ना। प्लाज्मा को इन्वेंट करना, इन्वेंट तो हम नहीं कह सकते क्योंकि ये चीज मौजूद थी पहले से, तो डिस्कवरी कह सकते हैं कि इसे खोजा था
डिस्कवरी जो था वो 1769 में विलियम क्रूक्स ने, और नाम इसका जो रखने का काम था कि नेमिंग क्या, तो प्लाज्मा, इसको प्लाज्मा कहेंगे। ये बात 1928 में एर्मिंग लैम्यूएर नामक वैज्ञानिक ने इसे प्लाज्मा नाम दिया था। अब प्लाज्मा की एक विशेषता है, विशेषता यह है कि यह गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इससे होकर के बिजली जा सकती है। दूसरी चीज ये इसकी विशेषता है कि प्लाज्मा जिस परिस्थिति में हम प्राप्त करते हैं वह हाई एनर्जी की परिस्थिति है, हाई टेम्परेचर की परिस्थिति है। वो हाई टेम्परेचर प्रकृति में सूरज के पास है, ध्यान दे यहां से चीज समझिए, प्रकृति में सूरज के पास है, सूरज में इतना हाई टेम्परेचर है जिससे वहां जो सूरज, बेसिकली सूरज क्या है, गैस का एक गोला है, गैस का एक बवंडर है, एक जगह इकट्ठा, उसमें हीट इतनी है कि वहां जो गैस है उसे वो आयोनाइज्ड फॉर्मेट में बदल देता है, है ना। तो वैज्ञानिकों ने ये सोचा अगर यही काम हम धरती पे कर दें तो, यानी कि किसी तरीके से हम उतना हीट बढ़ाने की तकनीक हासिल कर लें, और हासिल करके और वह प्लाज्मा अगर हम धरती पे उतार दें तो हम धरती पे सूरज बना लेंगे। सुना है ना, चाइना ने बनाया है, तो जो बनाया है वो क्या है, प्लाज्मा, वो क्या है, प्लाज्मा। अब है क्या कि इसमें दिक्कत क्या होती है कि अभी आपको बताया कि इसका ना शेप है ना वॉल्यूम है, तो इसकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि एक जगह ये रुकता नहीं है। सूरज में क्या है कि सूरज बहुत डेंस भी है हमसे, बड़ा भी है, और वहां पर एक प्रोसेस ऑलरेडी हाइड्रोजन टू हीलियम का चल रहा है, हमें उस प्रोसेस को धरती को उतारना है। तो धरती पर उतारने के लिए हमें किसी ऐसे बर्तन की जरूरत होगी जिसमें हम एक तो उतना टेम्परेचर दें कि वो बर्दाश्त कर ले, बर्दाश्त करके और उसे वो एनर्जाइज करके प्लाज्मा में बदल दे, पहली चीज। दूसरी चीज कि उस प्लाज्मा को एक जगह कहीं हम स्थिर रख पाए। अब इस समस्या के समाधान के लिए जो मशीन बनाई जाती है उस मशीन का नाम होता है टोकामैक। नाम क्या होता है, टोकामैक, है ना। भारत सरकार ने 1986 में इस पर अपने रिसर्च के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च जगह है गांधीनगर गुजरात, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च IPR नामक एक संस्थान की स्थापना की, और इस संस्थान को ये जिम्मेवारी दी गई कि भाई आप इस पर काम आगे बढ़ाइए, किस तरह से हम प्लाज्मा को कंटेन कर पाएंगे, किस तरह उसे पैदा कर पाएंगे, रख पाएंगे। इस इंस्टीट्यूट ने यानी IPR ने अपनी जो मशीन बनाई या जो बर्तन तैयार किया उसका नाम है आदित्य।
ये फर्स्ट टोकामैक ऑफ इंडिया है ना, ये भारत का पहला टोकामैक है। टोकामैक मतलब क्या, वह बर्तन, वह मशीन जिसके अंदर हम प्लाज्मा को कंटेन करते हैं और उसके जरिए हम करते क्या है फिर, यानी जब हमने प्लाज्मा जैसी स्थिति हासिल कर ली तो अब हम क्या करेंगे, तो जो काम सूरज में होता है वो काम करेंगे क्या। तो सूरज में क्या होता है, फ्यूजन रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन के दो अणु आपस में फ्यूज होके हीलियम के अणु में बदल रहे हैं, तो हमें वह चीज जमीन पर उतार देनी, जिस दिन उतार देंगे हम अपना सूरज अपने जमीन पर उगा लेंगे। तो टोकामैक का काम क्या है बेसिकली, ये किस चीज के लिए होता है, ये फ्यूजन रिएक्टर होता है, फ्यूजन रिएक्टर होता है जिसके जरिए अभी तक जो हमने एनर्जी प्राप्त की है, एटॉमिक एनर्जी, वह फ्यूजन के जरिए प्राप्त की है। फ्यूजन मतलब तोड़ना, नाभिक को जब हम तोड़ते हैं, न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है तो उसमें जो कंटेन एनर्जी है ना वो बाहर निकलती है। हम क्या करेंगे, नाभिक को जोड़ेंगे और जोड़ के फिर तोड़ेंगे, इससे हमें और ज्यादा एनर्जी मिलेगी। ये फ्यूजन रिएक्टर के रूप में काम करता है। तो भारत में भी प्लाज्मा रिसर्च पे बहुत बेहतरीन काम हो रहा है। किसी भी गैस को आप प्लाज्मा के पोजीशन में, यानी आयोनाइज्ड गैस के पोजीशन में ले आएंगे, तो ये बेसिकली, अभी मैंने क्या बताया कि प्लाज्मा के कंडीशन में ना इसके पास सेफ है ना वॉल्यूम है, तो भाग जाता है भाई, कोई सेफ हो तो पकड़ लो, नहीं सेफ तो वॉल्यूम है तो पकड़ लो। इसके पास ना सेफ है ना वॉल्यूम है, दोनों में कोई तय नहीं है। वॉल्यूम क्यों नहीं तय है कि मान लीजिए कि एक गैस है, मान लिया कि 1 बिलियन उसमें अणु है, उसमें 50 मिलियन प्लाज्मा है, 50 मिलियन सिंपल है, वो 50 मिलियन भी बदलेंगे जब तो उनका वॉल्यूम तय नहीं रहा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आपका निकलता जाएगा वॉल्यूम आपका क्या होगा, चेंज होगा। तो ऐसे में वॉल्यूम भी तय नहीं है, सेप भी तय नहीं, तो उसको पकड़ना कठिन है कि वो एक जगह रह पाए, तब तो हम आगे किसी चला पाएंगे, आगे जो भी करना होगा तब करेंगे जब प्लाज्मा एक जगह रहे। अब उसके लिए करना क्या होता है कि ये जो मशीन हम बनाते हैं ना, ये मशीन दरअसल करती क्या है कि एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड, छल्लेदार मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है कि उस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर ये जा नहीं पाता, वहां तो उसको रोक दिया जाता है और तब उससे होकर के इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जाती है। ये पूरा अब यही काम वैश्विक स्तर पर भी चल रहा है, यानी कि हमें सूरज को धरती पे उतारना है और उसे उतारने की कोशिश हम अपने स्तर पर भी कर रहे हैं, और साथ में वैश्विक प्रयास जहां चल रहे हैं वहां पर भी हम काम कर रहे हैं। क्या चीज नहीं, छोटा है, अभी हम इसको बढ़ाएंगे ना, हमें इससे बिजली पैदा करनी है, समझिए। तो बिजली पैदा करने के लिए हमें उस लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे इसको लेके जाना पड़ेगा। तो अभी कहीं भी कमर्शियल लेवल पे, दुनिया में कहीं भी कमर्शियल लेवल पे नहीं, सब जगह प्रयोग ही चल रहे हैं, क्योंकि तो सूरज में जो प्रक्रिया घट रही है उसे धरती पर उतारना है, ठीक है। तो वह प्रक्रिया धरती पर उतारने के लिए आपके पास कई चीजें चाहिए। पहली तो समस्या वही जो मैंने बताई, इसका न सेफ है ना वॉल्यूम है, पॉप कहां रखेंगे इसको, ये कहीं समाएगा ही नहीं, तो उसको समाने वाला बर्तन चाहिए,
दूसरा कि उतना हीट देंगे जितना सूरज में है तब कोई गैस प्लाज्मा में बदलेगी। जैसे मैंने आपको बोर्ड पे समझा दिया, एक दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, चौथा दिया, ऐसे दिया जलाने से नहीं होता। 10^6 केल्विन सेंटीग्रेड का तापक्रम होता है वहां पर, तब जाकर के ये प्रक्रिया घटित होती है। अब इतना टेम्परेचर ले आएंगे तो कल्पना भी करने के लिए आ लेते हैं, तो बचेगा क्या वहां पर? कौन सी मशीन झेल लेगी उतना टेम्परेचर भी? मशीन किसी मेटल की ही ना बनाओगे, तो कोई भी मेटल इतना टेम्परेचर जब ले आओगे तो मशीन के कल पुर्जे के रूप में रह पाएगा क्या? वो खुद नहीं पिघल जाएगा? तो हमारी चुनौती ये है, उसके लिए हम धीरे धीरे उस पर प्रयास कर रहे हैं, अपने देश के लेवल पर भी और विदेश में। ध्यान दें, विदेश में कुल मिला के एक प्रयोग चल रहा है, इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट। इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट, ये वैश्विक स्तर पर कई देशों द्वारा मिल करके धरती पर सूरज बनाने का प्रयास है। ये इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर है ना, पूरा नाम इसका है एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, ये हमने फ्रांस में लगाया है, ठीक है, फ्रांस में, ITER फ्रांस। ये क्या है, तो अब तक दुनिया का बड़ा सबसे बड़ा बना सबसे बड़ा टोकामैक है। इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं इस काम को करने में? तो अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ये जो एजेंसी है ये वैश्विक स्तर पे परमाणु ऊर्जा से संबंधित रेगुलेशन का काम करती है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी प्लस यूरोपियन यूनियन, जिसमें कि कुल मिला के 27 देश हैं, प्लस इंडिया, इसने 2005 में ज्वाइन किया ITER को। इंडिया के बाद जापान, USA, USA नहीं, जापान, चीन, रूस, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन, रशिया, साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका। इतने देश मिल करके और यहां पर अपने अपने वैज्ञानिक भेजते हैं, अपना अपना एक्सपेरिमेंट भेजते हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि जो दुनिया का एक बड़ा टोका मैक हम बनाएं, ताकि जो थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन सूरज में हो रहा है वैसा ही थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन हम धरती पर उतार लें। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम एनर्जी की समस्या का समाधान कर लेंगे, क्योंकि फ्यूजन से जो एनर्जी निकलती है वो फ्यूजन से लाखों गुना ज्यादा हुआ करती है। तो ये प्लाज्मा से रिलेटेड हमारा रिसर्च हुआ। अब हम आते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पे और फर्मियोनिक कंडेंसेट पे। प्लाज्मा बेहद इंपॉर्टेंट है ना, और इससे आपके
पीटी मेंस दोनों में सवाल आ सकते हैं, जहां से सवाल आएंगे वो जगह मैंने दिखा दी है। आगे से पेपर में अगर इससे संबंधित कोई न्यूज रहती है तो आपकी जिम्मेवारी है कि आप उसे पढ़ें, अपने दिमाग में बिठाएं।